अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सुमन अब किडनैपर भी बन गई है। जाने कहां तक लेके जाएगी अपना झूठी लड़की। फिक्र मत कीजिए बड़ी माँ, वो इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। अभी कौन सा नया नाटक है इस लड़की का? अंशुमन जी, आपने पुलिस स्टेशन में आके बड़े पापा के लिए एंटीसिपेटरी बेल पेपर साइन करवाए थे ना? ये रहे कोर्ट के पेपर्स, पढ़िए। सुमन, क्या है ये सब? ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इनमें साफ साफ लिखा है क्योंकि मधुसूदन झा जी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अभी और इसी वक्त मेंटल असाइलम शिफ्ट कर देंगे। हम ये ऑर्डर वर्डर नहीं मानते, कहीं नहीं जाएंगे हमारे पापा। और ये तुम एम्बुलेंस को भेजो, पापा कहीं नहीं जा रहे, समझी? मिलिए मैजिस्ट्रेट मैम से, क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव है, हमने सोचा इन्हें भी साथ ही ले चलते हैं। ये लीजिए मैम, ये है मधुसूदन झा की रिपोर्ट्स, और इसमें क्लियरली लिखा है कि मधुसूदन जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके लिए हमें जल्द से जल्द इन्हें मेंटल असाइलम शिफ्ट कर देना चाहिए। और मैम, हमने डॉक्टर अश्विनी से भी बात की है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ना इन्हें तो ये बेहतर फील करेंगे। पाऊजी, पाऊजी क्या कह रही है सुमन? कुछ होगा, इनके अच्छे के लिए होगा। सुमन बिटिया, ये सब काहे कर रही हो? हमें कोई पुरानी बीमारी थोड़ी ना, अभी 2-3 महीने से तो हुई है। मजिस्ट्रेट मैम, इनका केस इतना भी सीरियस नहीं है कि इन्हें मेंटल असाइलम भेजना पड़े। हम घर पर भी तो इनकी केयर कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से डॉक्टर सुमन सही कह रही है कि इनको मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। पकड़ लो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं जाना। बाबूजी रोके इनको, इनको डंडे से मारिए बाबूजी। ये गंदे लोग हैं बाबूजी, ये गंदे लोग, हटो यहाँ से। बड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? डंडे, हम कॉल लेके जाते हैं हमारे साहब जी को। अरे हटो जी, बड़ी हटो। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? हमारे साहब जी को लेके जा रही है। क्या कर रही है? कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, हमारे साहब जी बीमार नहीं है, बीमार है तो ये लड़की है। ये लड़की इसको लेके जाइए और रखिए इसको वहां पे, अब चलाइए उसको। बड़ी माँ रुकिए। बड़ी माँ कहाँ जा रही हैं आप? बड़ी माँ शांत हो जाइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखते हैं हम भी कि कैसे कोई हमें हमारे साहब जी से अलग करता है। अब हम एक पल के लिए भी हमारे साहब जी से अलग नहीं होने वाले हैं। अगर किसी ने भी हमको अलग करने का कोशिश किया ना, तो हम यहीं से कूद जाएंगे। हम अभी कूदेंगे। अरे नहीं, आप रुकिए, पीछे जाइए, गिर जाएंगी। बड़ी माँ ये सब क्या कर रही हैं आप? नीचे आइए प्लीज। बड़ी माँ खत्म हो जाएंगे तो, लेकिन आप लोगों के हाथ नहीं आएंगे। हाँ, अरे हम श्राप देते हैं सुमनिया को, इसका जिंदगी का ना इतना बड़ा ड्रामा बने की संभाले ना संभले, तब पूछेगी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। माँ प्लीज नीचे उतरिए, इन्हें हमने बुलाया, इनसे कोई खतरा नहीं है। हाँ माँ, कुछ नहीं होगा, आप नीचे आइए। आइए, आरती कह रही है तो चलते। आरती दीदी, कौन है ये? ये शहर के बहुत बड़े मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिंह, इन्हें हमने बुलाया यहाँ पर। मैंने इनका केस स्टडी कर लिया है और इनका पूरा केस समझ लिया है, अभी इनका इलाज मेरे अंडर ही होगा। लेकिन इनके टेस्ट पहले भी हो चुके हैं और उसके मुताबिक इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। इनको अभी के अभी मेंटल असाइलम शिफ्ट कर देना चाहिए, वही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। सुमन, मानसिक रोग के डॉक्टर ये हैं, तुम नहीं। हमने इनसे सारी बातें कर ली, इन्होंने कहा कि पापा इस घर में रहेंगे तो किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा, यहाँ तक कि इस बात की गारंटी देने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर सिंह, क्या ये बात सही है? जी,
हमने ऐसे कई केसेस में देखे हैं कि कई बार मेंटल असाइलम में केस बिगड़ जाते हैं, तो जब तक मरीज फिजिकली वायलेंट नहीं है तब तक उसे घर पर ही रखा जा सकता है। ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें भी लिखा हुआ है। देख लो सुमन, अच्छे से देख लो। आप बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। आई एम श्योर आपका डायग्नोसिस सही ही होगा, लेकिन क्या आपको लगता है 24 घंटे घर पे रहकर इनका इलाज हो सकता है, और वो भी सही तरीके से? हमें इस बारे में भी तो सोचना ही होगा ना। एज अ डॉक्टर हमें ऐसा लगता है इनके पास तो 24/7 डॉक्टर रहने ही चाहिए, ताकि ठीक से ऑब्जर्व कर सके इन्हें। यू आर राइट, इनके केस में एक क्वालिफाइड डॉक्टर का आसपास होना बहुत जरूरी है। मैम अगर आपकी इजाजत हो तो हम बड़े पापा के आसपास रह के उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। हम भी एक डॉक्टर ही हैं, हमसे बेहतर उनका इलाज कौन कर पाएगा, उनको ऑब्जर्व कौन कर पाएगा। केयरटेकर के हैसियत से हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। ठीक है, मैं इन्हें फोन पे गाइड करता रहूंगा कि कौन सी मेडिसिन कब और कैसे देनी है। ये फैसला आप नहीं, कोर्ट यानी कि मैं लूंगी। अरे। और ये डिसाइड हो चुका है कि अगर मधुसूदन झा का घर पर रहकर इलाज करना है तो उसकी केयर टेकर सुमन झा रहेगी, वरना उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। चलो क्या है सुमन, बंद करो सब, अब और नहीं। तुम्हारी भावना को हम समझते हैं सुमन, लेकिन ये कोई जंग नहीं चल रही है जिसे तुम जीतना चाहती। आज माता रानी के सामने हमसे वादा करो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो नहीं करोगी, बंद कर दोगी सर। ये जंग ही तो है ना सुप्रीम मां, सच और झूठ के बीच की जंग, न्याय और अन्याय के बीच की जंग। सुप्रीम मां आप तो हमारी माँ है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हार मान लो। सुप्रीम मां बड़े पापा पागल नहीं है, पागलपन की आड़ में वो सबको बेवकूफ बना रहे हैं। हमें उनका पर्दाफाश करना है, और अगर आप हमारी भावनाओं को समझती तो आप भी इसमें हमारा साथ देती। तुम्हारी भावनाओं को समझते इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर बड़े भाई साहब पागल नहीं है तो उनको तो मेंटल असाइलम क्यों भेज रही हो, बोलो। ताकि सच सामने आ सके। अगर हम बड़े पापा को मेंटल असाइलम भेजेंगे तो डॉक्टर्स उनकी जाँच करेंगे और बता देंगे कि वो बीमार नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल ठीक है। उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं सुरभि मां। और देखिए ना, बस इस रीजन के वजह से बड़े पापा मेंटल असाइलम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन हम भी सच सामने ला कर ही रहेंगे। और अगर तुम गलत हुई तो तब क्या? अगर हम गलत हुए सुप्रीमा, तो माता रानी के सामने हम आपको वचन देते हैं कि हम माफीनामे पे साइन कर देंगे, और अगर उसके बाद आप हमें धक्के मार के भी घर से बाहर निकालेंगे ना, तो हम मुफ्त तक नहीं करेंगे। ज्यादा भरोसा है सुबह कि हमारे सूर्य को कभी टूटने मत देना बेटा, कभी कभी
हम आपके भरोसे को नहीं टूटने देंगे सर। शातिर, सुमन के दिमाग में चल क्या रहा? हमारा बस चले तो इसके भेजे में घुस के ना इसकी प्लानिंग की वाट लगा दे। इंजेक्शन लगाने का समय हो गया बड़े पापा, बैठ जाइए। हमें नहीं लगवाना इंजेक्शन, इंजेक्शन हम वैसे ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं लगाना है, चलिए। अरे हम गर्म पानी लाना तो भूल ही गए। नर्स, जल्दी से गर्म पानी ले आओ। ओके मैम। दरवाजा बंद करके जा। हाथ दिखाइए। बड़े पापा, आपने एक बार भी सोचा हमने आपकी जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर क्यों ले ली? अरे सिंपल आंसर है, बदला लेने के लिए, हमारे माँ बाबा की हत्या का बदला। उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है आपने, उसका बदला। और वो बदला तभी पूरा होगा जब हम आपको सलाखों के पीछे देखेंगे। बस ये इंजेक्शन लगाने की देरी है और फिर आपका खेल आप पर ही भारी हो जाएगा। अब हम आपको लगाएंगे इंजेक्शन, हाथ दिखाइए अपना। नहीं, नहीं लगाना हमें इंजेक्शन, नहीं लगाएंगे हम। ये क्या कर रहे हैं आप, इंजेक्शन तो आपको लगवाना ही होगा, आपके सेहत का सवाल है। चलिए हाथ दीजिए। हमें जरूरत नहीं, हम ठीक हो जाएंगे वैसे ही। लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हम इंजेक्शन, हम कर रहे हैं क्या? बचाइए अंशु, बचाइए, हमें बचाइए। बचाओ, बचाओ, कोई बचाइए, बचाओ, हमें कोई क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम ऐसा होने नहीं देंगे और इससे पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे क्या हुआ सुमन? सुमन, बड़े पापा ये आप क्या कर रहे थे? आप सुमन पर इस तरह हमला क्यों कर रहे थे? हमला नहीं कर रहे थे, ये हमारी जान ले रही थी, जहर दे रही थी वो हमें। हम कह रहे थे ना, कह रहे थे हम कि लड़की जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, निकालिए इसको यहाँ से, दूर करिए साहेब जी से हमारे। एक मिनट, ये देखिए ये कोई जहर नहीं है, हम आपको नॉर्मल विटामिन के इंजेक्शन देने जा रहे थे जो डॉक्टर सिंह ने हमें प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन ये अचानक वॉयलेंट हो गए, हम पर ही हमला करने लग गए। हाँ ये तो विटामिन का इंजेक्शन, हमें इस पर विश्वास नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, शांति रखिए, अभी के अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विटामिन है नहीं तो ये सुई अब तुम अपने आप को लगाओ, चलो। अरे सुमन क्यों, क्या प्रॉब्लम है सुमन को लगाने में? लगाओ सुमन तुम। फाइन, हम लगाते हैं इंजेक्शन। अच्छा बच्चों, हमारे पैंतरे हम ही पर अजमाए जा रहे हैं, तुझे तो मैं देख लूंगा सुमन। लगा लिया हमने इंजेक्शन, हमें कुछ हुआ हम मर गए, हम पागल हो गए। नहीं ना, हमने कहा विटामिन की इंजेक्शन है, आपको हम पर ही विश्वास नहीं है। देखिए हम इनके तरह कातिल नहीं है और हम एक डॉक्टर हैं, अगर मरीज को अपने डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं होगा तो हम इनका इलाज कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इन्हें मेंटल असाइलम ही शिफ्ट कर देते हैं, अभी कॉल करते हैं हम। ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, ये तो एक थ्रेट है, ये तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अरे ये सब इसकी चालाकियां, इसकी कहानियां हैं, अरे ये तो चाहती है कि हमें आप सब लोगों से दूर कर सके, ये सब इसका प्लान है। सुमन ऐसा कुछ नहीं करना चाहती बड़े पापा, और अगर आपको इस घर से दूर नहीं होना तो आपको सुमन पर विश्वास करना होगा। ये जैसा कर रही है इसे करने देना होगा। सुमन, बड़े पापा को इंजेक्शन लगाओ। जी अंशुमन जी, बैठिए। आज तो आप बच गए।
लेकिन आपकी किस्मत कब तक आपका साथ देगी बड़े पापा? आज रात तो वही होगा जो हमने सोचा है। हाँ शिखर बेटा, तू फिक्र मत कर। अरे सुमन पूरी कोशिश में लगी हुई है, देखना वो उस मधुसूदन झा को जेल भिजवा के रहेगी। शिखर हम कह रहे हैं ना, फिक्र मत कर। शिखर, शिखर कौन है? शिखर, हेलो हेलो शिखर, मैं नंदिनी। हाँ हेलो शिखर, प्लीज फोन मत कट करना शिखर, मेरी बात सुनो शिखर। हेलो शिखर, ये तुम क्या बोल रहे हो शिखर? मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकती, मैं मर जाऊंगी शिखर, एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हें ले आओ, मैं बैठ कर भाई से बात करूंगी ना शिखर। हेलो हेलो शिखर, हेलो शिखर, आपको इज्जत से क्या मिला है भाई? क्या बात है नंदिनी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो और क्या कहूँ, आपकी इज्जत सब बर्बाद कर देगी। मेरे और शिखर की शादी, आपकी और सुमन की शादी सब बर्बाद कर देगी भाई। तू पहले शांत हो जा और मुझे बता बात क्या है। आप जो उस कातिल का साथ दे रहे हैं ना, उसकी वजह से शिखर मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देना चाहता है। नंदिनी, तू बड़े पापा के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है? तो क्या गलत कहा मैंने? हाँ आपको भी पता है ना भाई कि सुमन शिखर के माँ पापा का कातिल वो बड़े पापा है, आप भी सब जानते हो ना भाई। तो क्यों नहीं उसे पुलिस के हवाले कर देते हो? जब तक वो जेल नहीं जाएंगे शिखर मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और आपको तो उनके चलते सुमन से भी भरोसा उठ गया है। आपके लिए बड़े पापा इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि उनके आगे कोई दिख ही नहीं रहा है। आपकी बहन, आपकी बीबी, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरे लिए सच इम्पोर्टेंट है, और जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती कि बड़े पापा बीमार नहीं है, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। बात समझने की कोशिश करना था नहीं, बड़ी माँ ने पूरी जिंदगी तुम झेले, अब इस उम्र में मैं उन्हें इस सदमे से गुजरने नहीं दे सकता। एक बार सच सामने आ जाए उसके बाद सारी कॉम्प्लिकेशंस अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर सुमन सही साबित हुई तब भाई, अगर सच में बड़े पापा नाटक कर रहे बीमार होने का तब भाई, मेरे और शिखर के रिश्ते को कैसे बचाओगे? अपने और सुमन के रिश्ते को कैसे बचाओगे? है कोई जवाब आपके पास? बोलिए, है कोई जवाब? ये दवाई मंगवा लीजिए और दे दीजिए हमें चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए हमारा, छोड़िए, हम आपको कहीं नहीं ले जान देंगे। अंशुमन जी, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, चुपचाप चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अंशुमन, अंशुमन इसे कहाँ ले जा रहे हो? आप हमें ऐसे बिना बताए कहीं नहीं ले जा सकते, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है, आप हमें ऐसे लेकर नहीं जा सकते, बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? अंशुमन जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए हमें, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? तुम अपने मायके चली गई थी ना, मैं तुम्हें वहीं छोड़ने जा रहा हूँ, और जब तक मैं ना कहूँ तुम वहीं रहो। क्यों? हम नहीं जाने वाले मायके, हम यहीं रहेंगे। बड़े पापा एक गुनहगार हैं और हम उन्हें सजा दिला कर ही रहेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। एक बार तो मेरी बात मान लो। सुनो, ये कैसी जिद है? जिद हम नहीं कर रहे, जिद तो आप कर रहे हैं अंशुमन जी, एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं आप। ठीक है, आप जैसा करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगता है। ये क्या कर रहे हैं, क्या पागलपन है ये? ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं अंशुमन जी, क्या कर रहे हैं? क्यों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें घर से दूर जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा ना हो?
अगर बड़े पापा ने गुस्से में तुम पे हमला कर दिया, तुम्हें कुछ हो गया तो उससे आपको क्या है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अंशुमन जी, हम जिए मरे, मरने दीजिए ना हमें। आपको तो हम पर भरोसा भी नहीं है, हम जो कह रहे झूठ कह रहे, क्या हम पागल हैं? हम देखना चाहते हैं परिवार को बिखरते हुए, इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। आपको जितने इल्जाम हम पर लगाने ना लगा लीजिए, आई डोंट केयर एट ऑल। आई केयर डैमिट, बिकॉज़ आई लव यू। प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए डरता हूं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कैसे जीऊंगा सुमन? मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। हमें अपनी जान भी कहते हैं और मरने की भी बात करते हैं, क्यों? इन दोनों में से अगर किसी भी बात पे शक हो तो बताओ। नहीं, हमें बिल्कुल शक नहीं है, हम तो ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनने में अच्छा लगता है कि आपको हमारी फिक्र है। तुम चाहो तो रोज याद दिला सकता हूँ। अगर आप हमारा साथ देते तो हम आपसे लड़ते ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे अंशुमन जी? क्यों हमारे बात पर विश्वास नहीं कर रहे कि बड़े पापा पागल नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं? सुमन, तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? हम जिद नहीं कर रहे हैं अंशुमन जी, बस अपने माँ बाबा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं दिला देते ना, हम पीछे नहीं हटने वाले।